स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ गुड सिविल इंजीनियर, कि आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। सभी तरह की टेक्निकल स्किल्स, अच्छे सिविल इंजीनियर से मतलब होता है कि सभी तरह की टेक्निकल स्किल्स आपको आनी चाहिए, तभी आप इन सभी जॉब रोल, इन जॉब पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज वही सभी टेक्निकल स्किल्स और जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब पोस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी जब भी मैं यहां पर आकर आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी वो इंफॉर्मेशन मिलकर उस वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों आज के लेसन में मैं आप लोगों को ये डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीटली कि एक सिविल इंजीनियर को कैसे एक स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, और साथ में कंसिस्टेंसी, एक एग्जांपल लूंगा उसमें बताऊंगा कंसिस्टेंसी क्या होता है, क्यों जरूरी है एक कंसिस्टेंसी एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक कांस्टेंट स्पीड पे काम करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अब दोस्तों उससे पहले हम चलते हैं यहां पर कि हाउ टू बिकम अ गुड सिविल इंजीनियर। सबसे पहले आता है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, हमें पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, साइट एग्जीक्यूशन वर्क, वायर बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग वर्क, मटेरियल रिकंसिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इतनी सारी टेक्निकल स्किल्स के साथ मुझे जॉब रोल पोस्ट, तभी मैं इन पर अप्लाई कर सकता हूं। यदि मुझे पता नहीं है कि होता क्या ये, कहीं पर अप्लाई करने का आपका फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जाना कहां है, कैसे जाएंगे और कब जाएंगे। बस इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग इसमें क्या जरूरी होता है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में हमें सबसे पहले ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एक सिविल इंजीनियर की बात करूं ये मैं, और बाकी और भी सॉफ्टवेयर, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स, ये भी जरूरत पड़ती है एक्चुअल में। लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर, यदि आप ऑटोकैड और रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की ओर जा सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, हमको कंप्लीटली हमें बिल्डिंग वर्किंग ड्राइंग बनानी पड़ती है ऑटोकैड में। वो बिल्डिंग वर्किंग ड्राइंग क्या होती है, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल वर्किंग ड्राइंग, प्लंबिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्किंग ड्राइंग, सेप्टिक टैंक एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्राइंग, रेन हार्वेस्टिंग ड्राइंग, प्लान, एलिवेशन, सेक्शनल मेकिंग एंड रीडिंग, उनको पढ़ना भी आना चाहिए। साथ में बिल्डिंग बायलॉज एंड वास्तु प्लानिंग के साथ साथ सबमिशन ड्राइंग, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नक्शा पास करना। अगर एक मैं इंजीनियर की बात करूं तो अगर अपना खुद का कंसल्टेंसी भी ओपन करेगा तब भी अपनी कंसल्टेंसी रन कर सकता है। साथ के साथ यहां पर रैबिट आर्किटेक्चर, जिसमें कंप्लीटली क्रिएट रियलिस्टिक 3D विजुअलाइजेशन, कि 3D फ्रंट व्यू जो होता है क्लाइंट का, वो फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं वो कंप्लीटली यहां पर बनाकर दिखाएंगे हम किसको, अपने क्लाइंट को, किसमें, रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में। फाइनल एलिवेशन एंड एक्सटीरियर डिजाइन, कि बाहर का जो एक्सटीरियर होगा वो कैसा दिखेगा उसका फाइनल बनाना है हमको यहां पर रिपोर्ट। वीडियो एनिमेशन फॉर प्रेजेंटेशन, की वीडियो जो एनिमेशन, एनिमेटेड वीडियोज होती है, वॉक थ्रोज होते हैं, कैमराज लगाना होता है, वो कंप्लीटली इस वाले पार्ट में होता है। यहां जब मैं इतना चीज सीखूंगा, ऑटोकैड और रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सीखूंगा, तब जाके मैं कंप्लीट हूंगा एक आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। कैसे सीखना वो भी इस वीडियो में आगे आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। साथ के साथ यहां पर देखेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की यदि मैं बात करूं कि जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होना बेहद जरूरी होता है। स्ट्रक्चर डिजाइन मतलब कि वहां पर कंप्लीटली मैं ये जान सकूं कि M25 कॉन्क्रीट पे क्या मेरा बिल्डिंग सेफ है, या मैं यहां पर 12 mm का बाड़ लगा रहा हूं बीम के अंदर, 16 mm का बाड़ लगा रहा हूं फुटिंग के अंदर, क्या ये सेफ रहेगी, उसका पूरा डिजाइनिंग एनालिसिस करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं स्टैड प्रो और ईटेफ सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर कंप्लीटली हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग और एनालिसिस करते हैं। इसमें जरूरत पड़ती है आपको IS कोड की। IS कोड अगर मैं बात करूं तो 456 तो है, इसके अलावा 875 के 5 पार्टनर, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक, सिस्मिक लोड, इस हिसाब से पूरे वहां पर कंप्लीटली 5 IS कोड को हमें रीड आउट करना पड़ता है ईटेफ सॉफ्टवेयर, स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के यूज के साथ साथ। साथ में यहां पे मैं आगे बात करूं आप, तो दोस्तों थर्ड वर्क रोल है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एस्टिमेशन पार्ट कंप्लीटली आप लोगों को, काफी सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूट्यूब चैनल पर भी, आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन सभी वीडियोस का, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, उससे आपको एस्टिमेशन बजटिंग पार्ट में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, गुरुजी का खजाना कोर्स, एस्टिमेशन इंडिविजुअल कोर्स, सभी में एस्टिमेशन पढ़ाया मैंने कंप्लीटली इस पार्ट के लिए, इस वर्क रोल के लिए। आप लोग देखेंगे यहां पर सबसे पहला टॉपिक लिखा है मैंने हाउ टू कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन प्रोजेक्ट, मतलब कि एस्टिमेशन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले फाइनलाइज बिल्डिंग मटेरियल एज पर बजट। देखिए हमें बजट पता है,
उस बजट के अकॉर्डिंग हमने अपना प्लान बना लिया, लेकिन उस बजट में क्या हम बना पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं, उसे करने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम एस्टीमेशन परफॉर्म करें। साथ के साथ यहां लिखा कैलकुलेट स्पेसिफिकेशन बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, सभी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन आइटम के एक एक आइटम की उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की क्वांटिटी पता होनी चाहिए मुझे, उसका बजट पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए पर यूनिट आइटम का, तब मैं एस्टीमेशन का टास्क अपना परफॉर्म कर सकता हूं। बिल्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट पर लोन प्रोसेस एज पर वैल्यूअर, मतलब यदि मुझे किसी का लोन पास कराना है तो मुझे क्या कर देना पड़ेगा, पहले एस्टिमेशन और सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग कहां से बनाना सीखे आप, ऑटोकैड से, और एस्टिमेशन कहां से बनाना सीखे, इस एस्टिमेशन पार्ट से, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन पार्ट से। साथ में फाइनलाइज बिल ऑफ क्वांटिटी, जहां पर कंप्लीटली मैं रेट निकालना सीखता हूं कि रेट कैसे मिलेगा एक पूरे प्रोजेक्ट का। इसके आगे चलता हूं तो नेक्स्ट पार्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। देखिए कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड पार्ट, और साथ में हमारा एक कॉमन सेंस, और साथ के साथ यहां पर जरूरी पड़ता है हमारा वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि क्या मैं एक पूरे साइट को अकेला संभाल सकता हूं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अंदर, उसका प्रोजेक्ट की प्लानिंग और शेड्यूलिंग करना आता है क्या मुझे। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा, दो सॉफ्टवेयर यहां पर यूज होते हैं। यहां पर लिखा है प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट वेरियस टाइप ऑफ लेबर स्पेसिफिकेशन, उनके कंप्लीटली क्या होते हैं, कॉफिशियंट होते हैं, कितना काम करेगा एक लेबर, एक बिल्डिंग को बनाने में या एक वॉल को बनाने में कितना टाइम लेगा एक लेबर, एक कंक्रीटिंग वर्क को करने में क्या एफिशिएंसी लेबर की, वो कंप्लीटली यहां पे हमें जानना पड़ता है। इसके लिए भी आईएस कोड है 7272 1974, जो कि हम एमएसपी पार्ट में अपना कंप्लीट कराते हैं। साथ का टेक्निकल स्टाफ प्लानिंग, कि जो हमारे पास स्टाफ है, जो हमारे पास इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनकी क्या एफिशिएंसी, उनको कितना हमें रेट करना है, उनको कहां कहां हमें शेड्यूल करना है, ऐसा तो नहीं कोई खाली बैठा है अभी उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो सारा शेड्यूलिंग करने का काम होता है इस वाले पार्ट में, एमएसपी में सिखाते हैं। यहां पर मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग, मतलब कोई मशीन या हाईवा है हमारे पास, जेसीबी है, कॉन्क्रीट मिक्सर है, बैचिंग प्लांट है, इन सब की जो शेड्यूलिंग करना कि यहां पर उनको वर्क कैसे कराएं, उनसे एक के बाद एक दूसरा वर्क कैसे हो, ऐसा तो नहीं एक ही टाइम पर बहुत सारा वर्क आ गया एक मशीन के पास, जो कि मशीन अवेलेबिलिटी में नहीं है हमारे पास, अगर वहां पर जरूरत है तो दूसरा मशीन हायर करें, तो वो प्लानिंग करना पड़ता है, वो शेड्यूलिंग करना पड़ता है एक एमएसपी सॉफ्टवेयर में हमको। शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट एज पर फंड फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, एज पर वेदर कंडीशन, एज पर लेबर अवेलेबिलिटी, एज पर मशीनरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ द बिल्डिंग भी बनाना पड़ता है इस एमएसपी सॉफ्टवेयर में। इसके बाद है साइट एग्जीक्यूशन वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेआउट वर्क, सेंटर लाइन लेआउट, टाउनशिप लेआउट, ब्रिक वर्क लेआउट। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोलिंग एज पर इंडियन बिल्डिंग कोड, और लेबर मैनेजमेंट एज पर साइट कंडीशन। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता होगा ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ ऑफलाइन कोर्स भी सिविल गुरुजी चलाते हैं, उस ऑनलाइन कोर्स में यदि आप 15 सितंबर इंजीनियर्स डे से पहले अगर कोर्स में एनरोल होते हैं, क्योंकि आपको सिविल इंजीनियरिंग की सभी टेक्निकल स्किल्स के लिए ऑनलाइन तो पढ़ना पड़ेगा, यदि आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि ऑनलाइन में जितना आप फीस पे करेंगे 15 सितंबर से पहले, ऑफलाइन में ऑटोमेटिकली आपकी 0.5% मतलब 50% फीस क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। ये मौका है आप लोगों के पास 15 सितंबर से पहले यदि आप कोर्स में एनरोल होते हैं। ऑफलाइन के फायदे अनेक हैं कि आप एक ही लेक्चर को कई बार भी देख सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, रात को 12 बजे ही पढ़ने का मन करता है तो 12 बजे भी आप डायरेक्टली सभी टेक्निकल स्किल्स को पढ़ सकते हैं। किसी इंटरव्यू में जाने से पहले यदि आपको वीडियोस देखना है तो आप अपने साथ वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल का सब्सक्रिप्शन इजीली अवेलेबल मिलता है आपको। डाउनलोड करना है सिविल गुरुजी एप्लीकेशन और वेबसाइट www.civilguruji.com। यदि और इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो 9111, देखिए नंबर नीचे 9111001234 पे आप जाकर देख सकते हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ में डाउनलोड सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, कूपन कोड भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कूपन कोड देखेंगे, गुरुजी कूपन कोड आप लोगों को मिला हुआ है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी का खजाना कोर्स। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निकल स्किल है बार बेंडिंग शेड्यूल। देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल इंजीनियर होते हैं, कोई नहीं सिखाता बार बेंडिंग शेड्यूल इंजीनियरिंग, क्यों, क्योंकि किसी कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं है ये, किसी साइट पर जाकर कोई इंजीनियर नहीं सिखाता आपको बार बेंडिंग शेड्यूल, कोई बुक नहीं है बार बेंडिंग शेड्यूल, लेकिन सिविल गुरुजी ने कंप्लीटली अपने कोर्स में तो रखा है बार बेंडिंग शेड्यूल को, जिसमें आईएएस कोड पढ़ाए जाते हैं स्पेसिफिकेशन के आधार पर, डिटेल कटिंग सिखाई जाती है, बेंडिंग सिखाई जाती है और उसकी बाइंडिंग सिखाई जाती है, बांधते कैसे हैं, बेंड कैसे करते हैं और कटिंग कैसे निकालते हैं, कटिंग लाइन जिसको बोलते हैं। एक्सेल स्पेसिफिकेशन फॉर्मूला, मतलब ऐसा फॉर्मूला कि मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग देखूं और स्ट्रक्चर ड्राइंग देखने के बाद उसका कुछ डाटा फिल करूं अपने एक्सेल शीट में, ऑटोमेटिकली मेरी बार बेंडिंग शेड्यूल शीट रेडी हो जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, ये भी कंप्लीटली बार बेंडिंग शेड्यूल एडवांस पार्ट में कवर अप किया जाता है। साथ के साथ यहां देखेंगे आप नेक्स्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस, जिसमें कंप्लीटली जो आप मटेरियल लेते हैं साइट पर, मटेरियल चाहिए आपको, उस मटेरियल की क्वांटिटी निकालना और साथ में एक एक बिल्डिंग के आइटम का रेट एनालिसिस करना, उसमें लेबर का एफिशिएंसी क्या होता है आपके, साथ के साथ रेट क्या होते हैं, मार्केट रेट लेना, वो कंप्लीटली सिखाया जाता है इस वाले पार्ट में, जिसमें बिल्डिंग बीओएम बिल ऑफ मटेरियल निकालना सिखाया जाता है यहां पे एक्सेल पर कंप्लीटली होता है।
बिल्डिंग मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट और एनालिसिस की बिल्डिंग में हम मटेरियल कितना लगेगा एज पर रेट एनालिसिस, मेकिंग एग्रीमेंट विद द लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एग्रीमेंट कैसे करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बिल्डिंग रेट विच इज नॉट इन एसओआर, जो एसओआर में नहीं होता वो भी हम रेट एनालिसिस में कैसे लें, यहाँ पर वो कंप्लीटली सिखाया जाता है। रेट कंपेरिजन विद अदर एरिया ऑफ सिचुएशन, रेट कंपेरिजन मतलब कि आपके यहाँ पर रेट मान लीजिए सीमेंट का पर बैग 300 रुपये चल रहा है और कहीं दूसरी जगह सीमेंट का पर बैग 270 चल रहा है, वो कंपेरिजन हो गया ना दोनों के बीच में, रेट फ्लक्चुएट है, उन फ्लक्चुएट से हमारा रेट एनालिसिस क्या करता है, इफेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। नेक्स्ट पार्ट की यदि मैं बात करूं तो वो है बिलिंग वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट फेवरेटिज्म जिसको मैं बात करूंगा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा जॉब लोग चाहते हैं इसी पार्ट में, वो होता है बिलिंग इंजीनियरिंग। लेकिन खाली बिलिंग इंजीनियरिंग आप नहीं सीख सकते जब तक आपके पास एस्टिमेशन की नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास ऑटोकैड की नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास क्वांटिटी सर्वे की नॉलेज ना हो और जब तक आपके पास बार बेंडिंग शेड्यूल की नॉलेज ना हो, तब तक आप बिलिंग वर्क नहीं सीख सकते। बिलिंग वर्क में क्या करना होता है हमको, देखिए मोड ऑफ मेजरमेंट एज पर आईएस कोड 1200 पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 16 तक मोड ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए मुझे, एक एक आइटम का मोड ऑफ मेजरमेंट पता हो जो बिल्डिंग में लगते हैं उनका, कैसे मोड ऑफ मेजरमेंट करते हैं हम, साथ में सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, अर्थ वर्क हो, साइट अर्थ वर्क के अलावा यहां पर कंक्रीट वर्क हो, वुड वर्क हो, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, स्टील एंड एल्युमिनियम वर्क, इसके अलावा आपका मैसनरी वर्क हो गया, इसके अलावा आपका स्टोन वर्क, मोर्टार वर्क हो गया आपका, यहां पर सारे आइटम्स का कंप्लीटली आप लोग पास सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के हिसाब से उसका वर्क पता होना चाहिए, कितने तरह के वर्क और उसका रेट कैसे निकालते हैं, वो एक एक नॉर्म्स लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, DSR दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स, या किसी भी आप स्टेट का SOR पकड़ेंगे शेड्यूल ऑफ रेट्स, सभी में एक नॉर्म्स लिखे हुए हैं, वो नॉर्म्स पढ़ाए जाते हैं इस बिलिंग इंजीनियरिंग वाले पार्ट में। इतने सारे आइटम है, देखिए दोस्तों इतने सारे आइटम ये कंप्लीटली बिलिंग इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, ये आपको पढ़ना होता है। मैं आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्टर बिल, आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्टर बिल मतलब एक एक आइटम का इंडिविजुअल हम बिलिंग कर रहे हैं किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और ए होता है स्लैब रेट बिलिंग, स्लैब रेट बिलिंग भी किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को एक एक पार्ट बाय पार्ट हम क्या दें, पैसा पे करें, इसलिए हम यहां पर बनाते हैं क्या, स्लैब रेट कॉन्ट्रैक्टर बिल। साथ में फर्स्ट एंड फाइनल बिल मतलब जिसको रनिंग अकाउंट बिल बोलते हैं और फिर लास्ट में फाइनल बिल लगाते हैं, वो कंप्लीटली सिखाया जाता है इन एमबी बुक में, भरना भी सिखाया जाता है कि यहां पर एमबी बुक मतलब मेजरमेंट बुक और बिल बुक में कैसे इन सभी पार्ट को हम भरते हैं। साथ के साथ मटेरियल रिकंसिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सीमेंट रिकंसिलेशन, स्टील रिकंसिलेशन, प्राइस एस्केलेशन एज पर इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है जिस पर जाकर हम ये देखते हैं कि हम अपने किसी भी मटेरियल का रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं, ये कंप्लीटली सिखाया जाता है इस प्राइस एस्केलेशन वाले पार्ट में। देन आफ्टर आता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, देखिए खाली हमको ये नहीं लिखना आज कितना काम किया, एक ऐसा जैसा आप ये देख रहे हैं ना, ये वर्क स्टेटस और साथ में मटेरियल स्टेटस ये कंप्लीटली बना होना चाहिए कि मेरी साइट पर आज इतना मटेरियल था, इतना यूज हुआ, इतना बचा हुआ, इतना वेस्ट हुआ, या ये भी मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि आज मान लो आपके ऊपर रिकंसिलेशन होता है, एक साल बाद रिकंसिलेशन हुआ, क्या आपको आज की बात याद होगी कि आज क्या हुआ, वो याद करने से अच्छा आपके पास लिखा होगा तो आपको पता होगा, जब एक साल बाद रिकंसिलेशन होगा आपके ऊपर किसी तरह का फाइन, आपके ऊपर किसी भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने इस सब चीज को अच्छे से लिखा हुआ है डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर्मेट में, जिसमें कंप्लीटली ये भी लिखा होना चाहिए कि कितना वर्क अभी आपका परसेंटेज में बचा हुआ है और साथ में कितना वर्क अभी आपने और करना है यहां पर, ये कंप्लीटली होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। दोस्तों इतना सारा पार्ट और इतने सारे पार्ट के लिए ये सारा पार्ट कवर होता है इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की, जिसमें फीस है 36,000, लेकिन यदि आप इस गुरुजी कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो मात्र 9,000 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ के साथ एक ऑफर है आपके लिए, जब भी आप ऑफलाइन में आते हैं, ऑफलाइन में आओगे तो ऑनलाइन पढ़ना बेहद जरूरी है हमारे लिए, आप इस 9,000 का 50% डिडक्ट करा सकते हैं अपना किसमें, ऑफलाइन की फीस। ऑफलाइन कोर्स जब भी स्टार्ट होगा उसका 50% आप क्या करा सकते हैं, डिडक्ट करा सकते हैं। साथ के साथ एक कोर्स है गुरुजी का खजाना कोर्स, जिसकी फीस है 52,000 रुपीज, लेकिन यदि आप गुरुजी कूपन कोड लगाते हैं तो 13,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिलता है। इसके अंदर ये सभी टेक्निकल स्किल्स तो है ही, साथ में एक टेक्निकल स्किल्स और है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग पार्ट, जिसमें ये सीखते हैं कि प्री बिडिंग क्या होता है और साथ में यहाँ पर कंप्लीटली ड्राफ्ट भरना, उसका NIT क्या होता है कंप्लीटली, इसके अलावा यहाँ पे EFI, ये सारी टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं हम किसमें, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग पार्ट में, जो कि इस गुरुजी के खजाने कोर्स में हमने एनरोल किया। साथ के साथ एक कोर्स और लाए हैं गुरुजी आप लोगों के लिए, जो कि कंप्लीटली गुरुजी की तरफ से आ रहा है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वर्ल्ड, जिसकी फीस है 16,000। क्या मिलेगा इसमें आपको, इसमें मिलेगा आपको कंप्लीटली क्या, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, गूगल स्केचअप और 3ds मैक्स, इतना सारा आपको मात्र 3999 में ये मिल रहा है। इसके लिए कोई कूपन कोड नहीं, डायरेक्टली आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं 3999 में। दोस्तों इतना सारा कोर्स गुरुजी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, गुरुजी की तरफ से कंप्लीटली कोर्सेज आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हैं।
कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, गुरुजी का खजाना कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, गुरुजी कूपन कोड और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वर्ल्ड को डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पर गुरुजी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ऑफलाइन में भी ऑफलाइन का मौका है आप लोगों के लिए। यदि आप 50% फीस अपनी डिडक्ट कराना चाहते हैं ऑनलाइन की फीस से तो आप लोगों के लिए मौका है। यदि आप ऐसे ही सभी तरह से आप सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो क्लिक करना है आपको, आपको क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में जाकर जो आपको डाउनलोड करवाई है सिविल गुरुजी एप्लीकेशन, जिसमें आप लोगों की लर्निंग बढ़ाने के लिए जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए हैं। आपके पास आखिरी मौका है, आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं आपके पास इन टेक्निकल स्किल्स में जुड़ने। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।